A man buys postage stamps of denominations 25 paise and 50 paise for 10 rupees. He buys 28 stamps in all. Find the number of 50 paise stamps bought by him. क्वेश्चन का मतलब समझा गया? मान लेते हैं, let कर लिया, the number of what? 25 paise stamps भी. 25 पैसे स्टैम्प, वो भी समझा रहा है. 25 पैसे की स्टैम्प्स कितनी है? X. एंड द नंबर ऑफ 50 पैसे एंड द नंबर ऑफ 50 पैसे स्टैम्प. व्हाट? 50 पैसे स्टैम्प. 50 पैसे स्टैम्प्स जो है वो कितनी है? Y. कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है? हाँ जी, यू कैन आस्क. पहले क्वेश्चन फिर से समझाओ, मतलब इसका लेट द, मतलब जो मैन बाइज पोस्टेज स्टैम्प फॉर डिनोमिनेशन 25 पैसे एंड 50 पैसे फॉर 10 रुपीज, मतलब एक आदमी ने 25 पैसे की, कुछ 25 पैसे की बॉट की, कुछ 50 पैसे की बॉट की. आजकल तो कौन पोस्ट वगैरह करता है? आजकल तो स्पीड पोस्ट होता है. ये काम तो पहले हुआ करते थे, जब टिकट के ऊपर इंदिरा गांधी फोटो लगी होती थी, महात्मा गांधी, देखा ना इस तरह की फोटो. अरे वो सब भी मिला के 10 रुपीज बन गए. 10 रुपीज बन रहे हैं. अब पता नहीं कितने 25 वाली लगाई है, कितनी 50 पैसे वाली लगाई. उसको पता नहीं, उसने 10 रुपए पकड़ाया, उसने 25 पैसे की कुछ दे दी, कुछ 50 पैसे आ रहा है. लेकिन ये बताओ एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मान लिया कि एक्स जो है 25 पैसे वाली है और 50 पैसे वाली जो स्टैम्प्स है वो कितनी है? वाई है. अगर मैं 25 पैसे को एक्स से मल्टीप्लाई करूं प्लस 50 पैसे को वाई से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? और यहां 99% बच्चे गलती करते हैं, जरा सोच समझ के बोलो. 25x + 50y = 10 रुपीज. नहीं बोलो, 1000 पैसे. तो ये पैसे में है तो पैसे नहीं. अच्छा, उसको आपने कन्वर्जन कर दिया उसको. ये ही गलतियां होती हैं, थोड़ा ध्यान रखना. मुझे सब पता है कौन क्या गलती करता है, सारी साइकोलॉजी स्ट्रांग है. ही बायस 28 स्टैम्प इन ऑल. फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे स्टैम्प. ही बायस 28 स्टैम्प इन ऑल. टोटल स्टैम्प कितनी है? टोटल स्टैम्प कितनी है? 28. अब यह पैसे में कन्वर्ट ना कर देना, ये तो नंबर है स्टैम्प का. अरे एक्स प्लस वाई इक्वल कितना दिया है? 28. फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे स्टैम्प्स बॉट बाय हिम. तो 25 पैसे की कितनी स्टैम्प्स बॉट की है? ये क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन टू. तो एक्स वाई दोनों ही निकाल देते हैं, एक ही क्यों पूछ रहा है? 50 पैसे वाली भी निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना. इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को सॉल्व करते हैं. पॉइंट क्लियर है? वेरी सिंपल. एक्स की वैल्यू यहां से उठाओ और इसमें पुट कर दो, या फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुझे लगता है बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि ये 28 कहां 25 से करेंगे, तो उनको ये होता है चलो एक्स की वैल्यू उठा गए. आपको एलिमिनेशन मेथड है पता है कि नहीं? ये कौन सा मेथड लगा रहे हैं? एलिमिनेशन. कौन से मेथड होते हैं? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रिस क्रॉस. तो ये हम कौन सा कर रहे हैं? एलिमिनेशन. सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड है. एलिमिनेशन में होता है एलिमिनेट करते हैं. एलिमिनेशन में तो फिर या तो इसको मतलब एक वैल्यू में, इनकी एक वैल्यू में से पूरी इक्वेशन को करो या सिंपल माइनस कर दो. सब्स्टिट्यूशन में हमने सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है क्या? इधर से इधर वैल्यू. चलो ठीक है, देखो सही है. आर यू श्योर? हाँ चलो भाई, आप मान लेते हैं. ये x इक्वल टू ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, पुटिंग इन इक्वेशन. चलो भाई, कोई भी आपको मेथड बस आंसर आना चाहिए. मेथड कोई भी, क्या 50 से मल्टीप्लाई करना इतना टफ है क्या? मुझे तो नहीं लगता इतना टफ है. तो आप ऐसा करो, इस इक्वेशन टू को 50 से मल्टीप्लाई, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफिकल्ट होता है उसको. 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जरा सही है मुझे लग रहा है. तो देखो क्यों, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करना इतना टफ नहीं है, क्योंकि आएगा 25x + 50y = 1000 आएगा. और जब आपने 50 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 50x आएगा प्लस 50y आएगा. कुछ खुशी की बात है, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करना आता है ना हमें, 5 × 8 = 40 होता है. ये तो पता है, टेबल सिखाया आपको, 5 × 10 = 14. लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है. लेकिन ये बेचारे तो कैंसिल हो जाएंगे 25 में से. ये भी खुशी की बात है, क्योंकि 25x आ रहा है और उधर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल. 1000 में से 1400 माइनस होगा तो माइनस का 400 आएगा. और ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो 25 1 + 25
सीधा ही काट, बचा कितना, बचा कितना, 9 25 4 से कितना बचा बेटे यहाँ, आई एम आस्किंग दिस, वैल्यू फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगी वैल्यू बेटे, तो सिंपली 5 25 बन जाए, 25 हुआ, कितना बचा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, 40 में से 25 को माइनस करो, 400 में से क्या अभी नहीं कर पा रहे, 150 आएगा ये टोटल, टोटल 150 आएगा बच्चे का, माइनस करने के बाद तो 15 आएगा, जीरो भी तो है, 150 आएगा, 150 कितने टाइम्स होगा बताइए जल्दी से, 16 तो नहीं आएगा, 150 50 होता है, 50 प्लस 50 100, 50 प्लस 50 100 और एक और 50 जोड़ दो कितना हो गया, 150, तो 6 टाइम्स ही हुआ, नहीं आया अभी, नहीं आया, आ गया, आ गया, चलो, तो x की वैल्यू आ गई 60, जो पूछा वही निकालो, क्यों सिंपलीफाई करनी है, वैसे y भी निकाल देते हैं, उसने नहीं पूछा तो हमें y निकालने में क्या प्रॉब्लम है, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 28 माइनस क्या कर देंगे, 16, 28 माइनस 16 या 8 माइनस 6 कितना होगा, 8 माइनस 6 इज 8 माइनस 6 2 एंड 2 माइनस 1 1, तो y इक्वल टू 12, सो दैट इज द आंसर, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी हो गया बेटे, ए मैन बाय पोस्टेज, वेरी इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे मूव करें, देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वन द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, टू डिजिट नंबर बेटे सम ऑफ डिजिट है, जैसे हमारा 45 है तो उन दोनों की डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आ जाएगा, वैसे ही इस जैसे हो सकता है 23 हो सकता है 32 हो सकता है 14 हो सकता है 41 और भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, सम डिजिट का क्या आना चाहिए, 5 आना, 5 अच्छा सम डिजिट का 5, समझ नहीं आ रहा क्या, जो डिजिट कोई भी हो, डिजिट कोई भी हो द डिजिट, लेकिन डिजिट भी ऐसी होनी चाहिए कि ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 5, द डिजिट ऑब्टेंड बाय इंक्रीजिंग, व्हाट आई एम सेइंग, इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंस प्लेस, इन टेंस प्लेस, विच प्लेस, टेंस प्लेस बाय यूनिटी इज 1/8, व्हाट इट से, 1/8, ठीक है भाई, 1/8 ऑफ द नंबर का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना, हाँ जी कैसे होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट द डिजिट्स बी एक्स एंड वाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे यहाँ टफ तो नहीं है, लेट एक्स बी द डिजिट एट टेंथ प्लेस, बेटे क्वेश्चन से इसे समझो, वैसे इससे समझ आई है, अगर मैं लिखने जाऊँ, लेट एक्स बी द डिजिट एट टेंथ प्लेस, डिजिट एट टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस पे जो आपकी डिजिट है कौन सी है, एक्स, डाउट है यहाँ पर, टेंस प्लेस, एंड वाई द डिजिट, एंड वाई द डिजिट एट, वाई द डिजिट एट व्हाट, 1/8 एट यूनिट्स प्लेस, क्या यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस पे अभी हम मान रहे हैं, अभी तो लेट किया है, यूनिट प्लेस पे हमने किसको माना है, वाई को और टेंस प्लेस पे एक्स को माना है, क्या हो गया, सही है, उसने बोला द डिजिट बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंथ प्लेस, मतलब टेंथ प्लेस वाली को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बाय यूनिटी उसने बोला हुआ है यूनिटी का मतलब होता है वन से इंक्रीज कर दी, किस प्लेस को इंक्रीज करूं, टेंस प्लेस को, टेंस प्लेस कौन है, एक्स, इसको यूनिटी से इंक्रीज करूं, तो यानी कि वन ऐड कर दो उसमें, तो नंबर जो होगा वो क्या बन जाएगा, ये बताओ जो हमारी नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स वाई तो होता है, ये तो डिजिट है सिर्फ, लेकिन उस नंबर को एक्चुअल में आपने सॉल्व करना हो, जैसे 75 है, 75 को आप क्या लिखोगे, 7 × 10 प्लस 5 × 1, वैसे ही आपने एक्स वाई को क्या लिखना है, 10x प्लस वाई, गलती की हमने क्या, वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना तो वैसे लिखा रहे, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर कोई डाउट है क्या, भाई ठीक है,
उसने ये हमारा एक्चुअल नंबर है, मान लेते हैं एक्चुअल नंबर जो है वो कौन है, टेन. द नंबर इज क्या, टेन एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई द नंबर इज टेन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू वन करना है, कर लो आप. वन करने से क्या होगा, इसमें वन से मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ यूनिट प्लेस. उसने बोला इन दोनों डिजिट का सम जो है वो कितना है, फाइव है. अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, फाइव आएगा. वेरी सिंपल. और उसने क्या बोला, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, फाइव आएगा. और साथ में उसने बोला कि अगर टेंस डिजिट को आप यूनिटी से इंक्रीज करते हो, कितने से इंक्रीज करते हो, यूनिटी, तो वो जो नंबर है उसका 1.8 आएगा. नहीं आया नंबर है हमारा 10x plus y, उसका 1.8 कर दो बेटा. ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना आता है. इक्वल टू आएगा 10x plus y, 8 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 8x plus 8 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 10x plus y आएगा. कोई डाउट है क्या था? इसको इधर बुला ले, इसको उधर भेज दे, ये भी तो सिंपल स्टेप है कि नहीं है. तो 8x plus 8 माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 0. 8 में से 10 माइनस होगा तो माइनस का क्या आएगा, 2x. क्या हो गया बेटे, सही है, कोई डाउट है क्या? माइनस का वाई इक्वल टू माइनस है, उधर चले जाए. सभी माइनस के हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है प्लस हमें, तो हम सभी को माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. कोई डाउट है? इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो. और इक्वेशन 1 हमारी क्या बनी हुई थी पहले, इक्वेशन 1 हुआ है 10 जो भी एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है, 5 है ना, ये हमारी इक्वेशन 1 है. अभी दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लें. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखना. इक्वेशन 1 हमारी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 हमारी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. जब आप इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे लिए खुशी की बात है. और x माइनस 2x माइनस x आएगा माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू आएगी 3, और ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू. अरे ज्यादा अच्छा है इक्वेशन 1 में पुट कर दे, वो इजी है. तो नंबर बताओ क्या आ गया आपके पास, नंबर x प्लस मतलब 3 प्लस y, x प्लस वाई को बेटे नंबर ही पूछ लिया. अच्छा, अब हमने अब तो सॉल्व करना आता ही आपको, इसकी वैल्यू तो 3 आई है तो 5 माइनस 3 कर देंगे इधर, है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3. तो नंबर बताओ ना, नंबर पूछ रहे हैं हम आपसे, क्या होगा, 23 होगा, 32 होगा, 25 क्या होगा, 2 नंबर पूछ रहे हैं, y इक्वल टू 2 नंबर पूछ रहे हैं. ये तो आपने डिजिट निकाली है, ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, तो नंबर क्या आया, 32 आया. क्या बेवकूफ वाले काम कर रहे हो, द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या आएगा, 32 कैसे, लो ये देखिए इनका हाल, ये आपने टेंस डिजिट निकाल ली, ये आपने यूनिट डिजिट निकाल ली बेटे, तो टेंस डिजिट आ गई, यूनिट डिजिट आ गई. तो अच्छा, वो दो इनो इकट्ठे करने थे, इकट्ठे करने ही, और क्या नहीं, ये तो पूछ रहा है तब से वो. ठीक, अब टेस्ट भी कर लो. ठीक, टेस्ट करते हैं. देखो उसने बोला कि अगर मैं इस डिजिट को क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं, इस डिजिट में क्या ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं, तो जो एक्चुअल डिजिट है उसका 1.8 आएगा, मतलब एक्चुअल नंबर का 1.8. इसमें 1 ऐड किया तो 4 आया, और 1.8 कर तो 4 आया. इसको नंबर को, ये नंबर कौन है, 32, इसको 8 से डिवाइड करें तो 4 आएगा. लो हाँ, अरे भी समझ आ गया. और इन दोनों का सम कितना है, 5 है. बस हो गया क्वेश्चन, नहीं आया समझ, प्रूफ भी कर दिया हमने. ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, अ टू डिजिट नंबर, कितना डिजिट का नंबर है, टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स इज टू, ए टू डिजिट नंबर 7 टाइम्स द सम ऑफ, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, फॉर्म बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग बता ना मैं क्या करना, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन, कितना लेस है, 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का कितना लेस है, 18 लेस है. फाइंड द नंबर, आपने नंबर फाइंड कर. देखो बेटे वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है उसने, वैसे फिर से वही वही सेम क्वेश्चन ही है. कितने डिजिट का इस बार, फिर से टू डिजिट, टू डिजिट का नंबर क्या होता है, 10x plus y. अगर आपने टेंस प्लेस को क्या मान लिया,
अरे टेंस प्लेस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और वंस प्लेस को क्या मान लिया, वाई मान लिया। पॉइंट क्लियर है? अब बेटे उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन टू द प्रॉब्लम, उसने बोला कि इस नंबर को अगर आप देखोगे, टू डिजिट नंबर इज सेवन टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसकी डिजिट का सम जो है वो नंबर का सेवन टाइम, मतलब उसको सेवन टाइम्स करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस सेवन वाई। इसको सेवन एक्स को बुला लो, टेन एक्स में से सेवन एक्स माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, सेवन एक्स आएगा, ये उधर चला जाएगा सेवन वाई माइनस वाई, तो ये आ जाएगा बेटे थ्री एक्स, सॉरी बच्चे थ्री एक्स, थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स वाई, तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है आगे समझ में नहीं आया। उसने ये बोला कि उसकी दोनों डिजिट को अगर ऐड कर दें तो सेवन टाइम्स भी कर दें तो उस नंबर के इक्वल आ जाएगा जो एग्जैक्टली नंबर है। पॉइंट क्लियर है? तो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, और यहां से टेन एक्स को आपने लाइक टर्म्स को इधर बुला लिया, इस लाइक टर्म को उधर भेज दिया, माइनस किया तो थ्री एक्स और सिक्स वाई, और थ्री डिवाइड में गया तो टू वाई आ गया। पॉइंट क्लियर है? अब बेटे उसने बोला है टू डिजिट नंबर इज सेवन टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, वो तो हमने कर दिया पहला पार्ट तो उसका कर दिया। दूसरा उसने बोला द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, अगर आप उसकी डिजिट को क्या कर दो, रिवर्स, जो यूनिट प्लेस पे था कहां आ जाएगा, टेंस पे आ जाएगा, टेंस वाला कहां आ जाएगा, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया डिजिट को, जैसे 32 है उसको 23 कर दिया। पॉइंट क्लियर है? तो वैसे इसमें भी करेंगे, तो न्यू नंबर जो आएगा आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, बताओ क्या आएगा, After reversing, क्या आएगा? बोलो। 2x is equal to y. हाँ जी? 2x is equal to y. बेटे रिवर्स कर दिया ना मैंने इसका डिजिट का, अभी वेट करो क्या कर रहे हो आप? आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स करने के बाद क्या होगा, जो यूनिट प्लेस के ऊपर था वो कहाँ जाएगा, टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे था वो कहाँ चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे। x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 10 से करोगे। बेटे समझ आ गया तक? कोई डाउट अभी पूछ लो, ये गलती की है कोई चीज, कोई डाउट है आपको यहाँ तक, पूछ सकते हो? हाँ जी बोलिए। रिवर्स कर दिया ना डिजिट का आपने, तो 10y प्लस x ही आएगा ना, अब आएगा कि नहीं आएगा? उसने आगे बोला द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, जो अब आने वाला है रिवर्स करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर का कितना लेस है, 18 लेस है, कितना लेस है, 18। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कहाँ है, ओरिजिनल नंबर तो ये है, ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई, और सही लिखा है कि लिखा है, ओरिजिनल नंबर यही है हमारा टेन एक्स प्लस वाई, और उसमें से 18 क्या कर दो, मतलब जो रिवर्स करने पे वो छोटा नंबर आ रहा है, एक हिसाब से छोटा ही आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई माइनस 18। वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास टू, नहीं वाई की वैल्यू तो अभी निकाली नहीं, एक्स की वैल्यू आई थी टू वाई, चलो कोई बात ही नहीं है, वो बाद में पुट कर देना, आप इसको इधर बुला लो, इसको तो भेज दो, भेज सकते हैं कि नहीं, ऐसा काम तो करना आता है, वो तो भेज सकते, कर सकते हैं, तो इस वाई को इधर बुला लेते हैं, ये लाइक टर्म्स है, आएगा टेन वाई माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस 18, ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा नाइन वाई, क्या आएगा, नाइन वाई, और इधर आ जाएगा नाइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा 18, यहाँ तो कोई डाउट है, नाइन वाई माइनस नाइन एक्स माइनस 18, तो बेटे नाइन लेके कैंसिल कर रहा, तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस टू, बेटे हो गया क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गई टू, दो इक्वेशन x और y में बनी है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? वेरिएबल कौन है, x और y, सॉल्व कर दें, वहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, वहां से ऐसे नहीं बेटा, वहां से x की वैल्यू पुट करो यार, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, टू वाई माइनस टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपने x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 2y को बुला लो, माइनस का y इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, टू, टू, y की वैल्यू टू आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू कितने टाइम्स है, टू, टू आएगी, टू वाई, तो फोर आ जाएगी, यानी कि नंबर क्या, टू इंटू फोर, नंबर क्या होगा, नंबर 24, हाँ जी 24, फिर आपने उल्टा बोल दिया 42, आपको समझ नहीं आ रहा क्या, यूनिट प्लेस हमने किसको लिया है, वाई को लिया, टेंथ प्लेस हमारा एक्स है, तो आप इसको उल्टा क्यों बोल रहे, टेंथ प्लेस पे ये आएगा, और बेटा ये पूरा क्वेश्चन करने वाला एंड में गलती कर दूंगा, आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखो भाई, और आप दोबारा से चेकिंग भी कर सकते हो, टेस्टिंग मैं नहीं करूंगा, आप अपने आप कर सकते हो दोबारा से, ठीक है बेटे, नेक्स्ट बेटे मिस्टेक ना करो, एंड में आप मिस्टेक ना करो, आप पूरा फोकस यहाँ रखो, इधर उधर माइंड है तो उसको ले आओ यही वापस, है ना, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, ऑफ ए टू डिजिट नंबर, ऑफ ए टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर
एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय, भाई रिवर्स वाला ये फर्स्ट है, इसने इंटरचेंज बोल के कंफ्यूज कर दिया बस बच्चों को, इस बार इंटरचेंज लिख दिया, इंटरचेंज लिखा एंड द नंबर ऑब्टेंड, एंड द नंबर ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग, व्हाट इंटरचेंजिंग मतलब रिवर्सिंग, हाँ जी रिवर्सिंग, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132, कितना 132 इज 132, इफ द टू डिजिट डिफरेंस बाय, इफ द टू डिजिट्स, इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय, इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय टू, मतलब उनका दोनों का डिफरेंस कितना है, टू है, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, हाँ जी बेटा कैसे करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, उनको लेट एक्स एंड वाई करना है, टेंस और यूनिट प्लेस मान ले भाई जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेट टेंस प्लेस, आपने टेंस प्लेस किसको मान लिया, एक्स को, और वंस प्लेस वाई को, वंस प्लेस किसको माना, वाई को मान लिया, ठीक है फिर से भी काम किया, देन द नंबर, नंबर आपका क्या होगा, टेन एक्स प्लस वाई, क्या गलत किया हमने, तो नंबर तो यही आएगा ना बेटे हमारा, नंबर ये आएगा, कोई गलती की हमने क्या, टेन एक्स प्लस वाई आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही आएगा, और साथ में अगर रिवर्स कर दें डिजिट्स का आफ्टर रिवर्सिंग तो नंबर क्या आएगा, तो नंबर आएगा 10y प्लस एक्स, लो पता नहीं लगा इनको लग गया, बोलते हो नहीं फिर, ठीक है, और इन दोनों का, दोनों नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 132, मतलब ये वाला और उसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद उसका सम कितना आ रहा है, 130 में 10x प्लस y, कई बच्चे गलती करते हैं, 10y प्लस x, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको लेकिन मान लेते हैं, बच्चे पता क्या गलती करते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये क्या आ रहा है समझ में, आपको ऐसे लिखना होगा इस फॉर्म में, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि आपने यूनिट प्लेस का एक्स माना हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई जब तक नहीं करोगे एक्चुअल नंबर नहीं आएगा आपका, पॉइंट क्लियर है, तो 10y प्लस एक्स इक्वल कितना आ जाएगा बेटे, 132, तो 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 11x, 11x हो जाएगा, और y प्लस 10y कितना हो जाएगा, 11y, इक्वल कितना आ जाएगा, 132, 11 कॉमन ले लोगे, तो x प्लस y कितना आ जाएगा, 11 में 11, 11 2 जा 22, तो दैट इज 12 इज द x प्लस y इक्वल कितना आ गया, 12, x प्लस y आ गया 12, तो इसको इक्वेशन 1 बना दिया आपने, नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ द टू डिजिट डिफर बाय 2, मतलब उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, तो x माइनस y ही तो 2 है, x माइनस वाई इंटू टू, मतलब उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना दिया, आप तो डिजिट का डिफरेंस दिया, आप तो नहीं 10x वगैरह लगाओगे, अब तो नहीं वो, आप तो सीधा डिजिट का दे रहा है बेटे, अगर नंबर बोलेगा तो आप ये लिखोगे, अगर डिजिट बोलेगा तो आप सिर्फ x और y, इसको हम एलिमिनेशन से इधर ही कर देते, बिल्कुल ये लो, चलो ये लो, कितना टाइम का है, 2x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 7, 7, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5, 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है क्या, तो अब देखो बेटे, तो नंबर क्या हो गया हमारा बताओ, नंबर सर 57, हाँ 57 बनेगा, अब आपने सही बोला, क्योंकि टेंथ प्लेस पे कौन है, टेंथ प्लेस पे एक्स, एक्स दोनों आंसर सही है, बताएंगे 75 भी और 57 भी, बिल्कुल इन दोनों का ऐड करके देखो कितना आता है, 132, बिल्कुल सही है, तो आप चाहे उसको पहले वाले को 57 बोल दो या इसको 75 बोल दो, आपकी चॉइस है, दोनों का डिफरेंस भी कितना आता है, 2 आ रहा है, 2 नहीं आया समझ में, क्या दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर भी दोनों का डिफरेंस, इधर दोनों का डिफरेंस माइनस 2 आएगा, तो हमने इसीलिए उसके बाद वो कट ही जाएगा, अगर हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इसका मतलब 57 निकाला है ना, आपने इसका मतलब 75 निकाला, आपकी मर्जी है, वो तो दोनों इंटरचेंज कर सकते हो, आप किसी को भी ले सकते हो, पॉइंट क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 किसमें ऐड किया आपने, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में आपने 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला, ये समझ आ गया कि नहीं, इन्हीं को बोलते हैं फ्रैक्शन में, कि ऊपर वाले डिजिट है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड, और हिंदी में इसको आंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंसर एंड हर, ठीक है, टू बोथ, चलो उसको ड्रॉप करो, उससे हमें मतलब नहीं है, टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो इतनी अच्छी बात बोली, दोनों में ऐड कर रहा है, न्यूमरेटर में भी क्या ऐड कर रहा है, और 3 ऐड कर रहा है, डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है, कोई डाउट है क्या,
डिनोमिनेटर, इट बिकम्स, तो ये क्या बन जाता है, 5/6, इट बिकम्स 5/6. फाइंड द नंबर, क्या पूछा उसने, फाइंड द नंबर, सॉरी नंबर ना बोलो, फ्रैक्शन बोलो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात करो, ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर है वो सभी क्या है, जितने फ्रैक्शन है वो सभी रैशनल नंबर, कैसा सही है, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है, अगर दोनों में टू ऐड कर दे तो नंबर क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है, ये बोला उसने, अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11x + 22 = 9y + 9, यही है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो आएगा 11x - 9y = 9 - 22, यही आएगा बेटा, क्या हो गया, ठीक है, 9/11 ही है क्या, कुछ और है, 9/11 ही था फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो बेटे फिर आपने ये, सॉरी यहाँ 2 ही है, दोनों में आपने क्या ऐड किया था, 2 यहाँ आपने 1 कर दिया, तो सॉरी ये आपका आ जाएगा 11x + 22, ये तो सही है, ये आएगा 9y + 18, है 9y + 18 आएगा, और ये बेटे उधर जाएगा तो 18 में से माइनस होगा ना 22, अब आ गया सही, अब सही है, ठीक है, -9y = -4, तो 11x - 9y + 4 = 0, दैट इज नंबर 1, ये लीनियर इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल में आपकी, सेकंड लीनियर इक्वेशन कैसे आएगी, सेकंड में बोला था उसने x + 3 upon y + 3 = 5/6, ये सही लिखा है ना, इस बार गलती नहीं होगी, तो ये आएगा 6x + 18 = 5y + 15, मेरे प्रैक्टिस ही है इसमें, नथिंग एल्स, 6x - 5y = 15 - 18, 15 - 18 कितना होता है, -3, तो आएगा 6x - 5y + 3 = 0, ये इक्वेशन 2 आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, सब्स्टिट्यूटिंग एलिमिनेशन दिस वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, इसको आएगा ये उधर चला जाएगा 5y - 3/6, 5y - 3/6 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन पुट करते हैं, कर लो क्या काम, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आएगा 11, इक्वेशन 1 जो है हमारी ये 11, 5y - 3/6 - 9y = -4, है ना, प्लस 4 उधर जाकर -4 हो जाएगा, पॉइंट क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको, 55y - 33 - 9 = 54 y = 6 = 24, सॉल्व कर लो, 55 में से 54 माइनस होगा तो वही आएगा, ये चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 33 - 24 कितना होता है, बोलो बेटे 9, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पहले पुट करो, पहले एक्स निकाला ही नहीं हमने, एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू है 5y - 3/6, वाई की वैल्यू कितनी है, 9 -3 अपॉन में क्या आएगा, 6 45 -3 अपॉन क्या आएगा, 6 3 2 6 7 7, तो नंबर क्या होगा आपका, वो 7/9, सो दैट इज आंसर, कोई डाउट है क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, व्हाट द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4, ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4, दोनों का सम कितना दिया है 4 दिया, सॉरी नो 4 मोर देन 4 मोर देन ट्वाइस, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if the numerator and denominator each are increased, denominator each are increased by 3 they are in the ratio ho jayega bete 2:3, determine the number तो नंबर आपने डिटरमाइन करना है, नंबर नहीं फिर से वही बोलोगे क्या फ्रैक्शन, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटे मान लेते हैं वो जो फ्रैक्शन है वो है x अपॉन y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है अगर उन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ऐड कर दें तो जो आएगी फ्रैक्शन वो क्या आएगी, रेशियो, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है उसका ट्वाइस कर दो उसमें 4 ऐड कर दो, पहली इक्वेशन बन गई है, पॉइंट क्लियर है। तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 4, तो 2x माइनस एक्स कितना होता है बेटा x, एक्स प्लस 4, सो दैट इज द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आ गई आपकी। सेकंड टाइम उसने कहा अगर मैं न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है हमें, आएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6, इक्वेशन 1 और 2 को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, यहां से इसको इधर बुला लो या उसको इधर भेज दो, आपकी चॉइस है जो भी आप करना चाहते हो। तो आप एक काम करो वाई की वैल्यू यहाँ पुटी कर दो, इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा करते हैं ना, तो आएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस 4, वाई की वैल्यू पुट कर दी आपने यहाँ, ठीक है, तो आ जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 प्लस 6 है ना, तो ये बेटे इधर बुला लो, जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 9, तो ये x इक्वल टू क्या जाएगा 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 14 माइनस 9 कितना होता है 5, तो न्यूमरेटर क्या आ गया 5 आ गया, न्यूमरेटर क्या आ गया 5 आ गया, डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर 5 आ गया, डिनोमिनेटर क्या होगा y इक्वल टू क्या होता है x प्लस 4, तो आ जाएगा 5 प्लस 4 दैट विल गिव यू 5.9 दैट इज द नंबर। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इज हाफ द पेरीमीटर, व्हाट आई एम सेइंग हाफ द पेरीमीटर पता है ना किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 12 प्लस बी, अरे भाई 12 होता है नहीं होता है, ये लेंथ है ये इसकी क्या है ब्रेथ है, रुको एक मिनट वेट करो, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी बी होगा ये भी एल होगा, तो बाकी हो जाएगा तो ये 2l और ये पेरीमीटर का मतलब होता है फेंस करना चारों साइड सर्कमफेरेंस होगी, तो आ गया 2l प्लस बी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कैसा गार्डन है रेक्टेंगुलर, अगर उसके पेरीमीटर का मैं हाफ कर देता हूँ, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कर देता हूँ, हूज लेंथ इज 4 मोर देन, जिसकी लेंथ क्या है 4 मोर देन लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ का कितना मोर है, उसकी विड्थ का विड्थ इज 36 मीटर, इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, पॉइंट क्लियर है बेटे, डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपने बता दिया, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने क्या करना है बेटे मान लेते हैं लेंथ उसकी एक्स है ओ या एल बी जो भी आपको अच्छा लगे, हमने तो एल बी लिया हुआ है, तो देखो बेटे हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है वैसे, हाफ द पेरीमीटर 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी इसका हाफ, उसको क्या कर दिया हाफ कर दिया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हू लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, लेंथ जो है वो ब्रेथ का 4 मोर है, नहीं आया समझ में, ओके लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस 4, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हूज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, कितना 36, ये इक्वेशन में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एल प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा 36, तो यहां से एल की वैल्यू यहां पुट कर दो कितना आ जाएगा बी प्लस 4 प्लस बी इक्वल कितना होगा 36, बी और बी जुड़ जाएंगे तो कितना 2b, ये 4 होता जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 32, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 16 हो जाएगी, लेंथ इसकी माइनस कर दो 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी भाई 36 में से 16 माइनस कर दो ना एल प्लस 36 20 मीटर आ गया, तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है।